कोठी तो आपकी बहुत बड़ी है बट वहाँ पे आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही, एमिनिटीज नहीं मिल रही। जो भी कम्युनिटी है दिल्ली की बहुत सारी, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या आती है कि पहले आपका क्लटर्ड रोड रहते हैं, लो एयर क्वालिटी रहती है, बहुत सारे पार्किंग के इश्यूज आते हैं। जो स्मार्ट सिटी मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने। अगर मैं फ्लोर प्लान की बात करूं, डेवलप करा जा रहा है प्रोजेक्ट, बट कहां पे, सवाल है कहां पे। अगर आपने ये एक वीडियो कंप्लीट देख लिया तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोस, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं, अगर आप वेस्ट दिल्ली में हो या दिल्ली के किसी ऐसे पार्ट में हो जहां पे भी परेशान हो चुके हो, कोठी तो आपकी बहुत बड़ी है बट वहां पे आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही, एमिनिटीज नहीं मिल रही। आप कोठी का मजा भी चाहते हो बट बहुत सारी लग्जरी एमिनिटीज भी चाहते हो, क्लब भी चाहते हो, स्विमिंग भी पूल भी चाहते हो, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हो कि जहां पे पैसा भी आपका ग्रो करे, मल्टीप्लाई करे, और कल को अगर आपको शिफ्ट करना हो, रहना हो तो आप रह भी सको। तो वो डेवलपमेंट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। ओके, तो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो, और यहाँ पे मैं आपको सारी कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा जो नया प्रोजेक्ट आया है M3M Mansions का। कंप्लीट क्लैरिटी मतलब कंप्लीट क्लैरिटी, साइट प्लान से लेके, फ्लोर प्लान से लेके, लोकेशन से लेके, प्लस आपका क्या प्राइसिंग है, प्लस क्या पेमेंट प्लान है, और क्या एट प्रेजेंट ऑफर्स है। अगर आपने ये एक वीडियो कंप्लीट देख लिया तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और अर्बन लिविंग का लैंडस्केप यहाँ पे डिजाइन कर रहा है M3M। और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो आज की डेट में जो भी कम्युनिटी है दिल्ली की बहुत सारी, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या आती है कि पहले आपका क्लटर्ड रोड रहते हैं, लो एयर क्वालिटी रहती है, प्लस कम्युनिटी स्पेसेस बहुत छोटे छोटे रहते हैं, प्लस एक सेफ्टी का और सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट नहीं रह पाता, और एक होलिस्टिक और इन्विजन नहीं मिल पाता, प्लस इसके अलावा बहुत सारे पार्किंग के इश्यूज आते हैं, प्लस इसके अलावा वॉकेबल स्पेस नहीं रहते, जो डेवलपमेंट है बहुत पुराने हो चुके हैं, सीपेज आ जाते हैं। ये तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट आ रहा है, जो नए डेवलपमेंट आ रहा है, जो पूरे ग्लोबली और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट है उसको स्टडी करने के बाद ये डेवलपमेंट आ रहा है, ये सारी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम को रिसर्च एंड करने के बाद, और वो भी कहां पे, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के रिनोन्ड आर्किटेक्ट है उनको लेके ये पूरा मास्टर प्लान डेवलप करा जा रहा है प्रोजेक्ट। बट कहां पे, सवाल है कहां पे। जी आपका जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो अभी रिसेंटली मोदी जी ने इनॉग्रेट कराया है, और जो वन ऑफ द लार्जेस्ट या फिर मैं कहूँ द लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे पूरे इंडिया के अंदर, 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से जो बनाया है, 250 एकड़ के अंदर स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ये डेवलपमेंट आ रहा है। और वो क्या है कि जो चार शब्दों से बना हुआ है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, तो एक ऐसा विश्व, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे जो पूरा स्मार्ट हो, एक ऐसा वर्ल्ड जिसका एक स्केल हो सिटी की तरह, और ऐसा जो बिल्कुल दिल्ली के पास में हो, प्लस कनेक्टेड के लिहाज से एयरपोर्ट के पास में हो, तो इसलिए SCDA इसका नाम रखा गया है इस पूरे डेवलपमेंट का जो मास्टर प्लान के अंदर है। बहुत खूबसूरत है, 113 सेक्टर के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट के पास अशोक भूमि आपका मेट्रो स्टेशन हो गया, 5 मिनट की ड्राइव पे है, सेक्टर 25 का, प्लस भगवन्ना पार्क हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, बिजवासा रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो गया, तो बहुत सारे डेवलपमेंट इसके पास में आ रहे हैं। लाइक मैंने आपको बताया IGI एयरपोर्ट, अशोक भूमि डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 आ रहा है, प्लस इसके अलावा भरतवन्ना पार्क जो सेक्टर 20 में आ रहा है द्वारका के अंदर, प्लस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, दिल्ली गोल्फ क्लब हो गया, तो ये सारे डेवलपमेंट पास में आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट है, इसके अंदर सारी चीजें मिलेंगी आपको, रहने के लिए स्पेस मिलेंगे, शॉपिंग डेस्टिनेशन मिलेंगे आपको, वर्क स्पेस मिलेंगे, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, डाइनिंग स्पेस मिलेंगे, फूड कोर्ट्स मिलेंगे, मल्टीप्लेक्स मिलेंगे, एंटरटेनमेंट जोन मिलेगा, तो एक कंप्लीट होलिस्टिक आपको लाइफ मिलेगी यहाँ पे, और इंटरकनेक्टेड कम्युनिटीज मिलेंगी, प्लस इको सिस्टम को लेके, इकोलॉजी को लेके बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। जो स्मार्ट सिटी मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे विदिन एक छोटी सिटी है, विदिन ए सिटी ऑलराइट, और बैलेंस्ड इकोलॉजी है जो एक एनवायरमेंट को भी माइंड में रखते हुए इसको डिजाइन करा जा रहा है, और ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पे सरफेस पे कार की पार्किंग, कार का मूवमेंट मिनिमम हो या ना के बराबर हो, साइकिलिंग एंड वॉकिंग ट्रैक्स आपको मिलेंगे, गोल्फ कार्ट्स मिलेंगे, स्मार्ट पार्किंग मिलेंगे, EV चार्जेस के पॉइंट्स मिलेंगे जो आज की डेट में एक नीड हो गई है, प्लस किड्स प्ले एरिया हो गए, लेजर जोन्स हो गए, सीनियर सिटीजन जोन्स हो गए, स्पोर्ट्स एरिनाज
हो गए, प्लस कम्युनिटी स्पेसेस हो गए, हैंगआउट एरियाज हो गए, ओपन जिम हो गए, रोज पुटिंग ग्रीन्स हो गए, तो ये सारे यू नो चीजें डेवलपमेंट है। और ये यू नो लगभग 250 एकड़ के आसपास का डेवलपमेंट है, जो ये सेक्टर 113 है और ये 111 है। तो यहाँ पे इस यू नो 250 एकड़ के डेवलपमेंट के अंदर जो एनपीआर पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल दिल्ली से लगता हुए सेक्टर्स के अंदर है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर डीएलएफ मैग्नोलियास कैमेलियास टाइप के प्रोडक्ट भी आएंगे इस लोकेशन में। और उस विसिनिटी में आप अपना घर खरीद रहे हो इस लोकेशन पे सेक्टर 113 के अंदर, जो है एमटीएम मेंशंस वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट लॉन्च है यहाँ पे यू नो मार्केट का। अपार्ट फ्रॉम दैट और गोल्फ बेस्ड यू नो कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के लिए फ्यू के लिए है, द नेम इज एमटीएम मेंशंस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कुछ इमेजेस है, एक जो इमेज होती है वो 100 वर्ड्स के बराबर होती है, तो ये कुछ इमेजेस है सो दैट व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब एक बार प्रोडक्ट डेवलप होगा तो किस ग्रैंड लेवल का डेवलपमेंट होगा, किस टाइप का लाइफस्टाइल होगा यहाँ पे। दीज आर द फ्यू रेंडर्स, फ्यू ग्लिम्स ऑफ यू नो दिस प्रोजेक्ट्स। और यू नो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस डेवलपमेंट की, सो दिस इज द यू नो साइट प्लान। और यहाँ पे अभी लगभग 10 टावर, सारे टावर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और लगभग 250 एकड़ के आसपास डेवलपमेंट है, ये 10 एकड़ के आसपास का डेवलपमेंट है, 32 फ्लोर की यू नो हाइट रहेगी। एंड ये फ्यू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डिजाइनर है जो इसको डिजाइन कर रहे हैं पूरे डेवलपमेंट को, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट को। और यहाँ पे 9+9 का चिप एयरपोर्ट का गोल्फ का एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 7.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन विस्तार रहेगा जो वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट रहेगा। प्लस दीज आर द फ्यू यू नो वाटर बॉडीज इमेजेस है। इसके अलावा शेड्स हो गए आपके, और यू नो इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए भी यू नो मल्टीपल ट्रीज होंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो पॉल्यूशन एक यू नो प्रॉब्लम रहती है उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे रखा गया है। सो दिस इज द यू नो फ्यू ग्लैम्स ऑफ द एंट्रेंस कि किस टाइप का वाइड एंट्रेंस रहेगा, और थ्री टायर सिक्योरिटी रहेगी, बूमरैंग रहेंगे, प्लस सेंट्रल वाटर फाउंटेन्स रहेंगे, ग्रैंड लॉबी रहेगी जो एक यू नो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज रहती है लग्जरी जब आप अपार्टमेंट यू नो खरीदते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एयर कंडीशन रहेगी आपकी, डबल हाइट लॉबीज रहेगी, मल्टीपल सीट आउट एरिया रहेगा फॉर इनफॉर्मल मीटिंग्स अगर आपका किसी गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, हाई स्पीड एलिवेटर्स रहेंगे जो 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यू नो रहेंगे, और एयर कंडीशन एलिवेटर्स रहेंगे आपकी लिफ्ट लॉबीज के अंदर, 4-4 एलिवेटर्स रहेंगे आपके। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास यू नो चॉइसेस हैं आपके 100 से लेकर 3800 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट, प्लस कुछ पेंट हाउसेस के लिए भी कुछ बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं जो यहाँ पे आपको पेंट हाउस मिल सकते हैं, सिंप्लेक्स मिलेंगे, डुप्लेक्स नहीं मिलेंगे, 3.5, 4.5 एंड 5 BHK के ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हर एक यू नो यूनिट के अंदर आपका जो सर्वेंट क्वार्टर रहेगा। दीज आर द यू नो फ्यू ऑफ द इमेजेस ऑफ द इंटीरियर्स की, इंपॉर्टेंट मार्बल्स रहेगा आपके ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, हाईली इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग रहेगी आपकी सारे बेडरूम्स के अंदर, प्लस वीआरवी एयर कंडीशनिंग रहेगी, ब्रांडेड किचन रहेगी यहाँ पे, यूरोपियन ब्रांडेड फुल्ली फिटेड किचन रहेगी, होप चिमनी ओडीजी के साथ आपको। दिस इज यू नो जस्ट वन ऑफ द ग्लिम्स ऑफ दैट कि किस लेवल का यू नो डेवलपमेंट यहाँ पे प्लान हो रहा है। एंड दिस इज आल्सो किचन इज आल्सो यू नो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेदर यू आर ही और शी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सो दिस इज द फ्यू ग्लिम्स फ्रॉम द डेक बालकनीज, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 8 फीट के आसपास की आपके यू नो यहाँ पे बालकनीज रहेंगी, एलिगेंट डेक स्पेसेस रहेंगे, कंप्लीट होम ऑटोमेशन रहेगा आपका, मूड लाइटिंग हो गई, सेंसिंग डोर्स रहेंगे, प्लस स्ट्रेस फ्री इंटरनल ट्रैफिक का फ्लो रहेगा। रीजन बीइंग यहाँ पे आपका डेवलपमेंट है वो इस टाइप से यू नो डिजाइन करा हुआ है, और मेन आपका एक्सप्रेस वे की जो सर्विस लेन है वहां से आपकी एंट्री एग्जिट रहेगी। प्लस इसके अलावा अगर मैं क्लब की बात करूं तो यहाँ पे 1,00,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहेगा, 2 क्लब का एक्सेस मिलेगा आपको, ये आपका क्लब इंपीरियल है और जो आपका कैपिटल है उसका भी आपको एक्सेस रहेगा यहाँ पे, और लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहेगा यहाँ पे। दिस आर द फ्यू इमेजेस ऑफ द क्लब्स। रूफ टॉप पे आपका स्विमिंग पूल रहेगा, किड्स पूल सेपरेट रहेगा, प्लस टेम्परेचर रेगुलेटेड पूल भी रहेगा, प्लस आउटडोर पूल्स भी रहेंगे, एंड दिस इज द टेम्परेचर कंट्रोल टेरेस पूल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टेक अबाउट द 2 बैंकेट हॉल्स भी रहेंगे इसके अंदर फॉर आपके 100-200 लोगों की यू नो गैदरिंग्स के लिए। इसके अलावा आपका यू नो बार्स रहेंगे, प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स एमिनिटीज, तो मल्टीपल स्पोर्ट्स एमिनिटीज रहेंगे, रोज पुटिंग होगी, स्क्वैश, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, क्लाइंबिंग वॉल, स्केटिंग रिंग, इसके अलावा बॉलिंग एले, प्ले स्टेशन रूम, सिगार लॉन्च, कैरेक्टर पार्टी रूम्स, मिनी थिएटर्स, इसके अलावा स्पा, सैलून, क्रैच, बिजनेस सेंटर, जो कोवर्किंग स्पेस हो गया वो सारी चीजें आपको फैसिलिटीज यू नो यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा एम्प्टी थिएटर हो गया, प्लस सीट आउट एरियाज हो गए, और कंफर्ट आपका कन्वीनियंस का यू नो बहुत ध्यान में रखा हुआ है इसका, इवी चार्ज के लिए आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरा से सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस मिलेंगे, मैनुअल बूम बैरियर्स रहेंगे आपके यहाँ पे, एक्सेस कंट्रोल रहेंगे सो दैट नो यू नो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथराइज्ड पर्सन यू नो कैन एंटर योर यू नो अपार्टमेंट्स। और दिस आर द साइजेस दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो आपका 3.4, 4.5 एंड 5 बेडरूम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2100 स्क्वायर फीट से 3800 स्क्वायर फीट तक है, प्लस आपके जो पेंट हाउसेज है वो 4300 से 7000 स्क्वायर फीट के आसपास के यू नो
यहाँ पे रहेंगे। अगर मैं फ्लोर प्लान की बात करूं सो आप इसको यू नो वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं क्विकली यू नो ब्रशअप कर दूंगा। तो ये आपकी कार HJKA के अंदर 3.5 की यूनिट है, 2336 स्क्वायर फीट। सो आपकी यहाँ से एंट्री है, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया हो गया आपका, दिस इज द बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3, प्लस दिस इज द सर्वेंट क्वार्टर एंड विद ह्यूज किचन, दिस इज द वन बैल्कनी, सेकंड बैल्कनी एंड थर्ड बैल्कनी, और सर्वेंट क्वार्टर हर एक आपको उसके अंदर मिलेगा, हर एक अपार्टमेंट के अंदर मिलेगा। सो नेक्स्ट इज द 3.5 BHK अगेन, 2316 स्क्वायर फीट की यूनिट, 2077 स्क्वायर फीट जो अप्रॉक्सिमेटली 2100 स्क्वायर फीट हो जाते हैं। दिस इज द ये सबसे छोटी यूनिट है, सोल्ड आउट है, मैक्सिमम ओवर सब्सक्राइब यूनिट है, ऑलमोस्ट ज्यादा डिमांड में है। और इसके अलावा 4.5 BHK के 3753 स्क्वायर फीट के आसपास, 4.5 BHK 3520 स्क्वायर फीट, 4.5 BHK 3442 स्क्वायर फीट, 3152 स्क्वायर फीट, 3244 स्क्वायर फीट, इसके अलावा आपका 4.5 BHK 2848 स्क्वायर फीट, 4.5 BHK अगेन 304 स्क्वायर फीट, 4.5 BHK 2975 स्क्वायर फीट, 2700 स्क्वायर फीट 4.5 BHK, एंड दीज आर द फ्लोर प्लान फॉर पेंट हाउसेस, 4 BHK प्लस फैमिली लॉन्च प्लस सर्वेंट रूम, 5600 स्क्वायर फीट के आसपास की यूनिट है ये। एंड दिस इज द पेंट हाउस फॉर 4300 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस बार प्लस सर्वेंट रूम, 5900 स्क्वायर फीट की यूनिट, पेंट हाउसेस बहुत लिमिटेड पेंट हाउसेस है और बहुत जल्दी सेल आउट हो जाएंगे, कुछ ऑलरेडी हो चुके हैं। और दिस इज अगेन 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट रूम पेंट हाउस, अगेन दिस इज द 6000 स्क्वायर फीट पेंट हाउस, अगेन 5600 स्क्वायर फीट पेंट हाउस 4 BHK, एंड दिस इज अगेन 5 BHK पेंट हाउस, 5 BHK पेंट हाउस 6400 स्क्वायर फीट, एंड 5 BHK प्लस फैमिली लॉन्च प्लस बार प्लस सर्वेंट रूम 6700 स्क्वायर फीट पेंट हाउस। ऑलराइट, सो रेट अभी कुछ यूनिट का 22500 है, प्लस 30000 रुपीस है बीएचके का लग्जरी रेजिडेंसीज का। सो आई होप दिस इज द यू नो एक लोकेशन, अगर मैं बात करूं एक कंपैरिजन बात करूं आज की डेट में, बहुत उस लोकेशन पे जो एयरपोर्ट के उस तरफ है आपका एरिया चनकपुर वगैरह, वहां पे आपको 50000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भी रेट मिलेगा। और सिमिलर डिस्टेंस यहाँ पे भी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज आ रही है, एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी लगभग सिमिलर है, और यहाँ पे आपको 22500 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट के आसपास मिल रहा है। पेमेंट प्लान है वो 2080 का पेमेंट प्लान है, 20 अभी देना है, 21 साल के बाद देना है, 60 देना है लगभग पोजीशन पे। और इसके अलावा 500 रुपीस का स्पेशल डिस्काउंट है, प्लस आपको देना है जैसे मैं आपको बताया 20x आपका यू नो मास्टर स्टॉक 1 है कि अगर आप 1 लाख देते तो 20 लाख कंसीडर करा जाएगा। और इसके अलावा 20% डिस्काउंट अगर आप 10% उसी डिवाइड वाली अभी देते हैं तो, प्लस 9% का प्री पेमेंट बेनिफिट अगर आप नेक्स्ट 1 साल बाद वाली जो पेमेंट है वो इमीडिएटली करते हैं तो, प्लस फर्स्ट ट्रांसफर आपको फ्री मिल रहा है जो लगभग 600 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास रहता है, प्लस 2.5 लाख रुपए के और भी दो बेनिफिट है अगर आप विद इन सर्टेन पीरियड अगर आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं तो। इसके अलावा 50 ग्राम का गोल्ड कॉइन है। ओके, सो आई होप आपको यू नो कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी इस प्रोजेक्ट की, और इतना डिटेल इन डेप्थ रिव्यू आई डोंट थिंक कि कहीं पे आपको मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप यहाँ पे अपना एक गांव में रहने का अगर आपका एक ड्रीम है और वहां पे आप अपना फुलफिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू नो आप ऊपर दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर यू नो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ टू बाय योर ड्रीम अपार्टमेंट एट स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी लेयर, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी काफी हद तक M3M मैंशंस की। और अगर आप फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप अगेन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और भी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इस न सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बल्कि किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी, तो भी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते रहते हैं, शॉर्ट वीडियोस में आपके लिए बना के डालता रहता हूं, तो आपका जो सवाल है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, सो दैट आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाए, भले वो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना हो, किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। बट अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई और सवाल है तो अगेन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कमेंट करिए, कॉल करिए। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर मैंशन के अंदर अपना ब्यूटीफुल मैंशन बनाना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो सके, प्लस मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। और ज्यादा ज्यादा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो मेक श्योर चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं करा तो फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं क्रिएट करूंगा इस टाइप से हो सकते हैं बेटर, और जो भी यू नो मार्केट के अंदर डेवलपमेंट है उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और हो सकता है आपके इस हिसाब कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट हो जाए। सो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिल्ली। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।